2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस दिन को अलग अंदाज के साथ मनाया। कांग्रेस ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई। इसी फहरिस्त में दिल्ली के मंगोलपुरी में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंगोलपुरी में कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाव दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस ने मोदी का पुतला भी फूंका। कांग्रेस का यह प्रदर्शन कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रजीत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मकसद ये था कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया था और उस आजादी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, इस दिवस के ऊपर दोनों ही समुदाय, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, उस पर इस मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है। जो मिनिमम वैल्यू स्पोर्ट प्राइस जो रखती थी सरकार, वो ख़त्म करने जा रही है, मंडियों का प्रचलन ख़त्म कर रही है। और जो स्टेट्स के अंदर किसान था, अब उसको बड़े साहूकार पर डिपेंड होना पड़ेगा, इसी का विरोध जताने के लिए आज हमने ये किसान और मजदूर दिवस के रूप में इस गांधी जी के जन्मदिन को, नेहरू जी गांधी जी के जन्मदिन को मनाने की ज़रूरत सर लगा। इससे पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रजीत ने बताया कि आज मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। कांग्रेस ने मोदी सरकार को हिटलर शाही बताते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने किसान बिल पास किया है, उससे मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि वह किसान और मजदूरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले पर भी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। आज जो कार्यक्रम हमारी माननीय श्री सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे अनिल चौधरी जी जो दिल्ली के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई देवेंद्र यादव जी जो अन्य कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, तो आज ये आप लोगों के सामने लग रहा है किसान मजदूर बचाव दिवस। और सबसे बड़ा शुभ अवसर आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं जो दो हीरो हमारे गांधी जी और शास्त्री जी। गांधी जी वो हैं जिन्होंने देश में मजदूर की बात को उठाया था। मजदूर आज खादी ग्राम उद्योग, 2 अक्टूबर का दिन है, खादी ग्राम उद्योग जो हिंदुस्तान में देख रहे हो गांधी जी की देन है। गांधी जी ने कैसे मजदूरों को हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं करा, उन्होंने ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं नमन करता हूँ। और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी जिसने जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया। अंकल ये कार्यक्रम आज हमारे दो महान नेता परमपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने थी है, और वो नेता जिन्होंने हमेशा किसान की मजदूर की आवाज़ उठाई, तो आज हमने पूरे कांग्रेस में, पूरे देश के अंदर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हमने हर जिले में आज मजदूर किसान दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया है। और आज जरूरत है, आज हमारे देश का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो या महिला हो या युवा हो, हर एक वर्ग हमारे देश का परेशान है। आज इस हिटलर शाही सरकार से इतना परेशान है कि पूछो मत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती है और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री उनकी जयंती है, बधाई देना चाहता हूँ। और आज का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जो कानून लाई है उसके खिलाफ हम लोग, ये जो सरकार है लोकतंत्र की हत्या करने को मजबूर हुई है और डे बाय डे जो अच्छे दिन की सपना दिखाकर देशवासियों को बहला फुसला कर आई, आज वो अच्छे दिन कहाँ गए। आप देख रहे हैं रोज महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, संसद में बहस नहीं हो रहा है जी। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान बिल को लेकर तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस सबसे आगे दिख रही है और कांग्रेस ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके, ताकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को बचा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।